पेश है क्राइम टुडे न्यूज। मुआशरे के खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। ग्रेटर हैदराबाद माइनॉरिटी चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने क्राइम टुडे न्यूज से बात करते हुए तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से ये सवाल किया कि औकाफ की जायदादों को बचाने और उसके इंतजाम के बड़े बड़े वादे ना करें बल्कि अमली काम करें। और उन्होंने कहा कि कब्रस्तानों में जो फ्री कफन दफन का जो वादा किया था उस पर भी कोई अमल नजर नहीं आ रहा है। अभी भी कई कब्रस्तानों में कफन दफन के लिए काफी ज्यादा कीमत ली जा रही है। इस तरह के झूठे वादे करके मुसलमानों का हमदर्द बनने की कोशिश ना करें। ऐसे बातें करके शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कई सारे सवाल उठाए हैं। अब इसका जवाब तेलंगाना हुकूमत को देना होगा। सैयद अरशद और अली बाबा के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। कांग्रेस के ग्रेटर हैदराबाद माइनॉरिटी चेयरमैन सोहेल जी से तफसीलात जानते हैं इस मामले में। देखिए, पहले आंध्रा और तेलंगाना एक स्टेट था और अब चूंकि आंध्र प्रदेश अलग स्टेट हो गया और तेलंगाना प्रदेश अलग हो गया, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब हैं, जब अपने मैनिफेस्टो में वादा किए थे कि मैं जो है वक्फ प्रॉपर्टी को बचाऊंगा, वक्फ प्रॉपर्टी को सेव करूंगा और वक्फ प्रॉपर्टी के लिए काफ़ी ऐसे इंतजाम करूंगा जिससे मुसलमान कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, मैं आपके ज़रिए केसीआर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो अब वक्फ कमेटी जो बनी हुई है जिसमें सलीम साहब चेयरमैन है, अकबर निजामुद्दीन साहब उसमें एक मेम्बर है, क्या मेरे को बता सकते हैं कि ये कम्युनिटी के ऐसे मेंबर्स होने के बाद कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी सेफ हो सकती है, जबकि अकबाल साहब आईपीएस जो है इससे पहले जो स्पेशल ऑफिसर थे आंध्र प्रदेश ज्वाइन था, जब जो है अकबर निजामुद्दीन साहब के ऊपर एफआईआर बुक है सीसीएस में, केस बुक है कि आपने 832 एकड़ ज़मीन जो है वक्फ की बेची है, ना बेची नहीं बल्कि आप जिस लोगों को बेचे उनसे डायरेक्ट आपके अकाउंट में चेक आया उसका प्रूफ भी है, उसके बावजूद आपको क्यों ना बर्खास्त कर दिया जाए बल्कि आप जब उनको नोटिस भी जाए या हाई कोर्ट में इनका केस चल रहा है, सीसीएस में केस चल रहा है, उसके बावजूद भी मिल रहा है, तो ऐसे लोग रहने के बाद आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि आप वक्फ प्रॉपर्टी बचा सकते हैं। एक दूसरा, जहाँ तक सलीम साहब का सवाल है तो इन्होंने पहले भी वक्फ प्रॉपर्टी का इंचार्ज बने, पर पहले भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे। आप देखिए, आपने जो है उनका जो गुज़स्ता जो पीरियड था उसमें क्या ऐसे इकदाम किए जिससे जो है वक्फ प्रॉपर्टी को कुछ फ़ायदा पहुंचा। अभी जो है आपने कहा कि कब्रस्तानों के लिए हमने फ्री तदफीन के लिए जो इंतजाम किए हैं, आप हाल ही में देखिए आप सिकंदराबाद में जो है 10,000 रुपये लेके ज़मीन खोदने वाले 1500, आपको हर कब्रस्तान में कहीं ना कहीं ये कहानी मिल जाएगी। बहुत कम ऐसे कब्रस्तान होंगे जहाँ पर आपको मतलब कुछ बोलते नहीं करते, कुछ दीजिए तो लेते, मगर लेने के लिए ठहर दे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके सिर्फ जबान खर्ची है, अल्फाजबाजी है, आपको मुसलमानों का कोई आपको मतलब हमदर्द या आप उनका दर्द रखते रहते कोई बात आपको उनको दिखाई नहीं दे। अभी जो है एक काम ये हुआ है कि सुबह भाई की दरगाह का उरस हो रहा है और मैं समझता हूँ वक्फ बोर्ड के ज़ेरे निगरानी हो रहा है। मैं आपके ज़रिए अपील करता हूँ ये कमेटी से, केसीआर साहब से, कि शाह खामोशी दरगाह को भी अपने कंट्रोल में ले, वहाँ पर भी पूरी इंक्वायरी करें, वहाँ पर तदफीन क्या किस तरीके से होती है और आजू बाजू जितना उसका हिस्सा है दरगाह का, वहाँ के किराएदारों की क्या क्या है हालत, कितना किराया दे रहे हैं, क्या है क्या नहीं, तफसील अगर बोले और अपने वो भी हर दरगाह में समझता हूँ कि कमेटी अपने उसमें ले ले, जहाँ तक जहाँ पर भी आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ ऐसा मतलब कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है कोई दरगाह के अंदर, तो आप पहले वहाँ के मुतवल्लियों पर एक्शन लें और सबसे पहले जब तक आप अकबर निजामुद्दीन साहब के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, मैं नहीं समझता कि तेलंगाना की वक्फ ज़मीन महफूज रहेगी। साथ ही साथ आपने ये भी कहा है कि कई कब्रस्तानों में जो पैसे लिया जा रहा है, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट होगी नेक्स्ट या फिर तो आप तक ये सिलसिला चलता रहेगा या फिर ये सिलसिला यहीं रुकेगा, इसके बारे में क्या मैसेज देंगे आप आवाम तक, जो गरीब आवाम आज
ये जुल्म हो रहा है, इसको फेस कर रही है। इतना सब कुछ बोलने के बाद एक रुपया नहीं भी लेना बोलने के बाद भी फिर भी पैसा ले रहा है, ये लोग पे क्या कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक सवाल है हमारे गवर्नमेंट आने का, जब हमारे गवर्नमेंट आएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत से चेंजेस हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों पे हम अमल करेंगे। हमसे जो रैबाना में पिछले वक्त जो हमसे जो गलतियाँ हम उसको भी सुधारेंगे। मगर हम पिछले वक्त भी आपको बता दें कि हमने बहुत से ऐसे सख्त फैसले लिए हैं जिसकी वजह से कई ज़मीनों पर हमको जो है वापस हमको मिली है। अब इंशाल्लाह जब नेक्स्ट चक्कर से हमारी गवर्नमेंट आएंगे तो बराबर हम जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जितना हमसे हो सकता बराबर हम उसके प्रोटेक्शन करेंगे। रहा सवाल आगे क्या होगा, वो तो खैर दो साल के इलेक्शन के बाद जो होगा होगा। अभी दो साल तक क्या ये गवर्नमेंट क्या हमको वक्फ प्रॉपर्टी लूटने से बचाएंगे या लुटेरों को हटाएंगे या वक्फ लैंड के लुटेरों को वहाँ से हटाएंगे? ऐसे कई वक्फ प्रॉपर्टीज है जहाँ पर कई लोग कब्जे लेकर तगाम बनवा लिए हैं, बन गए हैं जो लोग जिंदगियां गुजार रहे हैं, वैसे प्रॉपर्टीज़ के लिए क्या करना चाहिए? आप इसके बारे में क्या मैसेज देंगे कि यह बरकरार रहना चाहिए वगैरह, या फिर कुछ दूसरा इन लोग को रीज़न कुछ रास्ता निकलना चाहिए लोग? मेरी अपनी पर्सनल व्यू बता रहा हूँ मैं आपको, उसको पार्टी से मत जोड़िए। मैं जो है जहाँ पर जो लोग गरीब लोग हैं, गरीब लोग जो बिल्कुल छोटा की ऐसी ऐसी इसमें हैं, बिल्कुल छोटे घर बनाए के एक अच्छे घर हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको एक छोटा सा किराया मुखर करके उनको रहने देना चाहिए। और जहाँ पर हमारे बड़े बड़े लोग डाकुआ जो है घर बना लिए, आठ एकड़ पर जो है हमारे अकबर निजाम साहब का फार्म हाउस है और कई शादी खाने वक्फ प्रॉपर्टी के ज़मीनों पर बने हुए, तो आप इनको जो है आप सीधा नोटिस दो, इन पर एक्शन दो, इनकी जगह जब्त करो, या नहीं तो एक जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो चल रहा है किराया वो किराया लो। वक्फ डेवलपमेंट बोर्ड तो आप बनाए हैं कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करेंगे, क्योंकि ऐसे कई ज़मीना हैं जो हार्ट ऑफ सिटी पे जो कब्जे में है वो वापस लो। कमर्शियल ज़मीनों पे शादी खाने चल रहे हैं, और आप देखो आप शादी खाने पूरे किसके चल रहे हैं, कौन से लोग उसके काबिज है, वो उनके पीछे कौन है, सारे सीधा मालूम तो रहा आप हर सब के पीछे आपको अपने नाम दिन का नाम नजर आ जाएगी। अब मैं जो है जो बोर्ड के चेयरमैन है सलीम साहब, उनसे मेरी अपील है कि वो अपने अपने मेम्बरों में देखे कि कौन बदमाश है कौन सही है जिस पे एक्शन ले सकते थे। आप तो कोई वादा करके आए नहीं, आप वक्फ का चेयरमैन पता नहीं आपकी पार्टी का आर्डर है, आप बैठ गए, आपसे मेरा क्या है, बट आपके जो सीएम साहब जो वादे किए मुसलमानों से कि वक्फ प्रॉपर्टी को हम बराबर सिक्योर करेंगे, बराबर उसकी इबादत करेंगे, उसको डेवलप करेंगे और मुसलमानों की भला भगवत के लिए काम करेंगे, तो ये आप कुछ कर पाएंगे? ये तो आपका जितना भी टर्न ओवर कम रहेगा इस कम में आप ये सब काम कर पाएंगे? अगर से आप करना है तो फिर काम करने की आपकी नई नीति क्या है, रणनीति क्या बनाए हुए आप ये सब पब्लिक में लेके आएंगे? ये दरगाह का रस या फिर और कुछ किसी बात पे बहस करना, ये तो एक चलता रहेगा, एक आपके जो है आपके सीईओ वगैरह भी इस पे जो है अमल करते हुए, दरगाह का रस है, दरगाह में जो है हाजिर आते हैं, चाहने वाले आते हैं, रस हो जाता है। इसके अलावा आप और क्या ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे वक्फ प्रॉपर्टी से मुसलमानों को फ़ायदा होगा, वक्फ प्रॉपर्टी सेफ होंगी? आपकी अपनी आने वाली दिनों में क्या नीति है वो आप पब्लिक को बताइए। सिर्फ बैठ के मीटिंग करके बोर्ड ऑफ मेंबर से मीटिंग बना लेके आप खाली ये वो ये बता नहीं, आप पूरा मुकम्मल अमल करिए। और आप सबसे पहले आप अपने अतराफ जो दगाबाज लोग हैं उनको हटाइए। जब हटाएंगे तो आपको मालूम होगा कि आप, हाँ हम बोलेंगे कि हम देखो चेयरमैन है कुछ काम करने की नीयत से बैठा हुआ है, वरना आप कुछ काम नहीं कर सकेंगे ना आपको काम करने दिया जाएगा। नाज़रीन, तफसीलात आपने सुनी हैं सुहेल जी से, बड़े ही प्यारे अंदाज में एक मैसेज पहुंचा है तेलंगाना गवर्नमेंट तक और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम जी तक। देखते हैं इस मामले में कहां तक वक्फ की प्रॉपर्टी सेफ होती है। मैं सैयद अरशद अली बाबा के साथ क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।